सपा के गढ़ में अखिलेश की बढ़ी टेंशन, भाजपा ने यादव बाहुल्य सीटों पर चला ये बड़ा दाव। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। अब की बार 400 पार और यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतने का दावा करने वाली भाजपा के सामने यादव बाहुल्य लोकसभा सीटें बड़ी चुनौती हैं। लेकिन वो इन चुनौतियों से निपटने के लिए सपा के गढ़ मैनपुरी एटा और फिरोजाबाद में घात लगा रही है। वहीं सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन कर पीडीए के भरोसे चुनावी मैदान में है। अब की बार 400 पार और यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही भाजपा के सामने बड़ी चुनौती उन लोकसभा सीटों पर होगी जहां यादव मतदाताओं का संख्या बल अधिक है। इनमें सपा का गढ़ कही जाने वाली मैनपुरी, फिरोजाबाद और एटा सीट भी है। इस बार भाजपा यहां नई रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। पूर्व के चुनावों में भाजपा की कोशिश गैर यादव मतदाताओं को लामबंद करने की रही, इस बार वो यादव मतदाताओं में भी सैंध को ताकत लगा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुनाव प्रचार में उतार कर वो इसका संकेत दे चुकी है। साथ ही यादव समाज के नेताओं को पाले में लाने की कसरत हो रही है। मैनपुरी सीट पर तो बसपा ने भी यादव चेहरा उतार सैंधमारी का इरादा साफ कर दिया है। विरोधियों की इस रणनीति से सपा भी बेखबर नहीं, वो अपने वोट बैंक को सहेजने में जुट गई है। पिछले 28 सालों से सपा का कब्जा, मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीते 28 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 8 बार मुलायम व परिवार के सदस्य ही सांसद बने। मुलायम सिंह के निधन के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने बड़ी जीत हासिल की थी। इस वर्चस्व की बड़ी वजह यादव मतदाताओं की बहुलता को माना जाता है। वर्तमान में 17.87 लाख मतदाताओं वाले इस लोकसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं की संख्या 4 लाख बताई जा रही है। दूसरे नंबर पर शाक्य मतदाता हैं जो 2.5 लाख के आसपास हैं। समाजवादी पार्टी को यादव के साथ अन्य जातियों का वोट भी मिलता रहा है। पूर्व के चुनावों में सपा के विपक्षी दलों ने अन्य जातियों को गोलबंद करने की रणनीति पर काम किया। यादव मतदाताओं में सेंधमारी पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, इस बार भाजपा ने इस कोशिश को ही सबसे आगे रखा है। भाजपा ने जयवीर सिंह को मैदान में उतारा। भाजपा प्रत्याशी स्थानीय विधायक पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के नामांकन में मध्य प्रदेश के मोहन यादव को इसी रणनीति के तहत बुलाया गया था। अब मतदान से पहले तक मोहन यादव के कई दौरे कराने की रूपरेखा बन रही है। साथ ही सपा से असंतुष्ट यादव नेता व प्रधानों से संपर्क साधा जा रहा है। नामांकन से एक दिन पहले ही भाजपा ने मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु रहे चौधरी नत्थू सिंह के पौत्र धीरज यादव को पार्टी में शामिल कर सुर्खियां बटोरी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।